हेलो हल्द्वानी सामुदायिक रेडियो में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। मैं डॉक्टर मनीषा पंत, शिक्षा शास्त्र विभाग। आज आपको टाइप्स ऑफ शोध के प्रकार के विषय में बताऊंगी। शोध समस्या की जो आज आप जानते ही हैं कि जो अनुसंधान है, शोध है, वो कितना महत्वपूर्ण है और उसके टाइप, उनकी जो समस्या है, शोध की कैसी प्रॉब्लम है, उसके आधार पर शोध को कई भागों में बांटा गया है। इसी आधार पर जो मुख्य तीन प्रकार से इनको बांटा गया है, पहला मौलिक, दूसरा व्यवहारपरक, तीसरा क्रियात्मक। तो पहला जो है, आज हम मौलिक जो शोध है, फंडामेंटल रिसर्च, उसके बारे में जानेंगे। तो फंडामेंटल रिसर्च क्या है? फंडामेंटल रिसर्च या मौलिक शोध, जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि मौलिक जो कुछ नया है, कोई भी नई चीज, कोई भी नवीन तथ्य या नवीन सत्य, जब हम उनकी खोज करते हैं तो वो फंडामेंटल रिसर्च कहलाता है। फंडामेंटल शोध अर्थात नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान के लिए ज्ञान। जब हम ज्ञान के लिए ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो यही क्या है? मौलिक शोध है। तो मौलिक शोध में हम जो नए नए जो सिद्धांत हैं या नए सत्य हैं, इनकी खोज करते हैं, जैसे सिद्धांतों का निर्माण। अब इसका एरिया क्या है, किन क्षेत्रों में हम मौलिक शोध अक्सर करते हैं? तो जैसे चिकित्सा का क्षेत्र है, जितने भी साइंस के हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, जैसे रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान या मैथमेटिक्स, सभी में जो है मौलिक शोध किए जाते हैं। मौलिक शोध का ये उद्देश्य नहीं होता है कि हम उनको अभी जो भी हमारी तात्कालिक जो प्रॉब्लम है उन पे वो फायदेमंद है या नहीं, ये नहीं देखा जाता है। मौलिक शोध क्या है कि जैसे प्रकृति में कोई भी घटना क्यों हो रही है, इसके पीछे इसका क्या कारण है, ये जानने के लिए फंडामेंटल रिसर्च किए जाते हैं। जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है या आर्किमिडीज का सिद्धांत है, पाइथागोरस का थ्योरम है। तो हमने देखा भी होगा कि जैसे कोई भी मजदूर है, जब कोई मकान बनाता है तो उसमें वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या करता है कि वो जब 90 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश, मतलब कोना जब वो बनाता है या 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसको पता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, उसको ये पता है कि वो एक कोना धागे से एक कोना एक साइड नापता है, दूसरी साइड नापता है। तो अगर एक का जो एक साइड की माप अगर वो दो रखता है और दूसरे साइड की तीन रखता है, तो बीच वाला जो उसका कर्ण है वो जो है उसकी जो नापता है जब वो, तो वो कितना आना चाहिए, वो पांच आना चाहिए। तो इस आधार पर वो पूरा मकान खड़ा कर देता है। तो उनकी उपयोगिता वहां है। अब आजकल जो कोरोना का टाइम है, तो हम देख रहे हैं कि कोरोना के टाइम पर जैसे वायरस की वजह से इतना कोरोना फैला है, तो उसमें जो वैक्सीन बन रही है, जैसे नई नई वैक्सीन बन रही है, तो ये सब क्या है, ये मौलिक शोध है, क्योंकि इसमें हम इनको खोज कर रहे हैं। तो इसके लिए जो भी इनको करेगा तो उसको क्या होना चाहिए, उसको किसी न किसी विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता होनी चाहिए। हर कोई इस फील्ड में नहीं काम कर सकता है, उसे कोई न कोई उसमें विशेष योग्यता होनी चाहिए। जैसे इतने वैक्सीन बन रही है, उनका ट्रायल हो रहा है, ये सब मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। अब मौलिक शोधों की जितने भी सिद्धांतों का निर्माण होता है, कोई भी कोई न कोई प्रिंसिपल होना चाहिए उसके पीछे, ये सब मौलिक शोध के अंतर्गत आते हैं। ये नहीं कि मौलिक शोध जो है हमारे लिए फायदेमंद भी होंगे, हो सकता है कि ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। जैसे आने वाला समय कहते हैं कि अगर वॉर होगी तो वो क्या है, वो जैविक हथियारों पर होगी। तो जैविक हथियार इतने बन रहे हैं, तो लेकिन इन लोग, इनका क्या है कि ये हमारे लिए लाभप्रद नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, बन रहे हैं, इनका अनुसंधान हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये जो है तात्कालिक समस्या के लिए नहीं किए जाते हैं, कुछ नई खोज, नया जानना या नया ज्ञान के लिए हम मौलिक शोध करते हैं। तो इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, जैसे नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन। और इसका स्वरूप क्या होता है, मौलिक शोधों का सैद्धांतिक होता है, सैद्धांतिक अर्थात थ्योरिटिकल होता है, कोई न कोई प्रिंसिपल इसके पीछे छुपा होता है। और इन जो शोध होते हैं, इन शोधों का बाह्य मूल्यांकन आवश्यक होता है, अर्थात एक्सटर्नल वैलिडिटी होनी आवश्यक है, क्योंकि जो यहां पर हो रहा है, जब हम किसी चीज का टेस्ट करेंगे, जैसे हमने वैक्सीन ही बनाई, तो वैक्सीन को पहले कुछ लोगों पर टेस्ट किया, हमने चेक किया कि हाँ ये प्रभावकारी है या नहीं, या कितने दिन बाद हमने इसको लगाना है, या ये सब क्या है, ये इसका बाह्य मूल्यांकन है। उसके बाद मौलिक अनुसंधान हेतु सामान्यतः विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम देख ही रहे हैं, अगर यही वैक्सीन ही बननी है, या कोई भी साइंस में या इंजीनियरिंग में कोई भी हम नया शोध करते हैं या कोई मौलिक अनुसंधान करते हैं, तो उसके लिए हमें उसके बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। कोई भी सामान्य व्यक्ति सामान्यतः इसको नहीं कर सकता है।
इसके साथ ही साथ मौलिक अनुसंधान हेतु सैम्पलिंग का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि हम न्यादर्स क्या चुने, कैसा होना चाहिए, तो उसका जो प्रॉपर तरीके से ज्ञान होना उसका आवश्यक है। डेटा कलेक्शन विश्वसनीय और वैध होना आवश्यक है। जितना भी हम डेटा का संकलन करेंगे, जहां से भी हम डेटा लेंगे, वो रिलायबल होना जरूरी है, उसकी वैलिड होना बहुत आवश्यक है। इसके अंतर्गत हम उच्च सांख्यिकी प्रविधियों को प्रयुक्त करते हैं। मौलिक अनुसंधान के अंदर हम स्टेट के द्वारा इनमें टेस्ट अप्लाई किया जाता है, जिसके द्वारा हम इनको अप्लाई करते हैं। और सामान्यीकरण नए तथ्यों, सत्यों तथा सिद्धांतों के रूप में होता है। मौलिक अनुसंधान जब होंगे, तो जब भी हम जनरलाइज करेंगे, तो कोई नया फॉर्मूला या कोई नया प्रिंसिपल या कोई नया इन्वेंशन या कोई भी हमें नया सिद्धांत हमें प्राप्त होगा। इसका जो क्षेत्र होता है वो बहुत व्यापक होता है। हम किसी भी क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान कर सकते हैं। मौलिक शोध का मूल्यांकन बाह्य होता है, अर्थात फंडामेंटल रिसर्च जब हम करते हैं, तो अगर एक जगह पर इसकी सत्यता है तो वो दूसरी जगह जाकर के भी वही होना चाहिए। जैसे अगर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम यहां पर को लागू हो रहा है, तो कहीं भी हम अन्य जगह पर भी जाकर के अगर उसे हम ट्राई करें तो वो सेम ही होगा। शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करके व्यवहार विज्ञान का विकास किया जाता है, अर्थात हम इसको जो अप्लाइड रिसर्च है इसका हम यूज करके, इन शोधों का, हम मौलिक शोधों का यूज करके हम इसको अप्लाइड साइंस में यूज कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम जो अपनी भी एजुकेशन की कई प्रॉब्लम्स हैं उनका जो है निस्तारण करते हैं। थैंक यू।